बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। वज़ाइफ़ के मुक़द्दस सिलसिले के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं। नाज़रीन किराम, इंसान का ये वजूद परवरदिगार आलम की बेश बहा नेमतों में से एक अज़ीम नेमत है। इंसान पूरे कद काट के साथ खड़ा हो तो खूबसूरत लगता है, लेकिन किसी आरज़े के सबब, हड्डियों में कमज़ोरी के सबब, उम्र में इजाफे के साथ इंसान में बाज़ दफ़ा कुबड़ापन निकल आता है। एक शायर ने कहा था, पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम। नाते रसूल मकबूल का ये एक शेर है कि पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। तो इंसान पूरे कद से खड़ा होता है तो वो भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। लेकिन अगर कभी कुबड़ापन आ जाए और इंसान के पुश पर वो कुब सा निकल आता है, इंसान झुक जाता है, तो इससे अगर निजात हासिल करना चाहते हो तो कुरान हकीम की आयत है, इलल एबेले कैफा खोले कत, इलल एबेले कैफा खोले कत। बार बार इसका विर्द करते रहें और जब भी पानी या कोई मशरूब पिएं तो उस पर यही आयत मुबारक पढ़कर अव्वल आखिर नबी आले नबी की बारगाह में दुरूशी पढ़िए और फिर इलल एबेले कैफा खोले कत पढ़कर आप उस पानी पर या मशरूब पर दम कर लें। इंशाअल्लाह इसकी जब आप पाबंदी करेंगे तो परवरदिगार आलम ने चाहा तो आपका कुबड़ापन ख़त्म हो जाएगा और एक बार पूरी कद्दोकामत के साथ आप बड़े खुशनुमा तरीके से खड़े होने के लायक हो जाएंगे। मज़ीद रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर मौजूद फ़ोन नंबर के ज़रिए आप हमसे राबता कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया।